हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग? बेटर? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज जो है हम लोग शुरुआत करने वाले हैं हमारे डीआई के नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। जो हमने दो क्लास अभी डीआई की हमने लगा ली है, एक क्लास हमने पहले बेसिक पढ़ा था, फिर हमने 2018 और 2019 के अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो हमने कर लिए थे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है ना, अगर आज का टॉपिक अगर आपको आ गया समझ, तो मेरा ये मैं लिख के दे सकता हूँ, गारंटी है मेरा कि इसके बाद आपका डीआई में से 10 में से 10 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आई पर्सनली एश्योर्ड करता हूं आपको कि ये वाला टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट जो आज हम करने वाले हैं, बहुत ही वाहियात कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो ये पॉइंट पॉइंट का उसमें बहुत सारा जिक्र आएगा। ठीक है, तो उन पॉइंट्स का जब क्वेश्चन आता है तो उस टाइम पे उसको कैसे डील करना है, तो वो वाला टॉपिक आज हम करने वाले हैं। आज की और कल की ये दो क्लास जो है, आज और कल दोनों क्लास के अंदर हम लोग ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट करेंगे जिसके बाद फिर वो एंड है। मतलब उसके बाद में डीआई मुझे लगता नहीं है कि अपने एग्जाम के लिए। वैसे तो देखो, अगर पीओ में क्लेरिकल में अगर आप जाते हैं, मान लीजिए बैंकिंग पीओ है उसकी बात करें, वो अलग है। अपना यूजीसी के अगर मैं बात करता तो वहां पे तो इस चीज का बट कोई तोड़ नहीं है, तो अपना बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो हो जाएगा। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिएगा, मैं आपको बारी बारी एक ही बात बोलता हूँ, मेरी क्लासेस थोड़ी बड़ी बनती हैं। क्यों? क्योंकि एक बार क्या है कि कॉन्सेप्ट आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना, अभी टाइम लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में टाइम नहीं लगना चाहिए, तो पेपर के अंदर जब आप बैठे, जब पेपर को आप अटेम्प्ट करें, तो उस टाइम पे आपका पेपर एकदम झकाझक हो, मतलब ये कैलकुलेशन आपके ऐसे चले एकदम यू चुटकियों के अंदर, तो फिर वो चीज सबसे बेस्ट रहती है। अभी टाइम लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना आप आज अपने आपको ट्रेन करेंगे ना, उतना रिजल्ट के अंदर आपको दिखेगा कि आपकी ट्रेनिंग का कितना आपको इंपैक्ट पड़ा और कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है ना, चलो हम शुरुआत करते हैं हमारे डीआई का। पहले कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा पहले वाली दो क्लासेस अगर नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ एक बार उनको देख लीजिएगा। उनको देख के जब आप ये वाली क्लास को आप जब जो है वो देखेंगे, तो उसके बाद में ये क्या है कि आपको ये इजीली समझ में आएगी, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट है जो पुराने वाले हम इसके अंदर लगाने वाले हैं। ठीक है ना, तो प्लीज़ आप उनको जरूर देख लीजिएगा, देन फिर आप ये वाली देखिएगा। ठीक है जी, चलो हम शुरुआत करते हैं। हमारे सबसे पहले हम जो लेके चल रहे हैं आज, वो लेके चल रहे हैं जी एवरेज का। क्या लेके चल रहे हैं जी? एवरेज की। जब अगर मान लो एवरेज, कई बार ना ऐसा होता है अपने पेपर के अंदर ना, ऐसा बोलेगा ये एवरेज करके दिखाओ, तो वो एवरेज वाले क्वेश्चन जब आएंगे, तो उन एवरेज के क्वेश्चन को आप कैसे डील करते हैं। एवरेज के क्वेश्चन अगर आ गया तो उसको कैसे डील करते हैं। देखो, एक तो अपना देसी तरीका, मैं ना यहाँ पे दोनों कंपैरिजन करके बताऊंगा कि हम पहले, मतलब देसी तरीका कौन सा है और हमको शॉर्टकट कौन सा लगाना चाहिए, तो मैं दोनों बताऊंगा। देखो, जैसे ऐसा आ गया, मान लो कोई डेटा आपको प्रोवाइड किया गया 2017, 2016 का, 17 का, 18 का, 19 का, चार साल का डेटा आपको प्रोवाइड किया गया, 140, 120, 180 और 200, और ये डेटा आपको प्रोवाइड किया गया और ये बोला गया कि प्लीज आप इनका जो है वो हमें क्या लेके दीजिए, एवरेज लेके दीजिए। क्योंकि अपने पेपर में यूजीसी में भाई एवरेज का ही क्वेश्चन आता है, मेजोरिटी चांसेस के अंदर क्या एवरेज का, कि ये उसका कितना परसेंट है, वो इसका कितना परसेंट है, तो उसके लिए आपको बेसिकली क्या एवरेज तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि पांच जो आपके क्वेश्चन आएंगे उनमें एक क्वेश्चन तो कम से कम एवरेज का मिलेगा ही मिलेगा। अब एवरेज निकालनी कैसी है भाई? देसी तरीका लगाना है, मतलब चारों को पांचों को जोड़ के और फिर डिवाइड बाय 5 करना है, मतलब नॉर्मल अरिथमेटिक मीन लगाना है, या कोई शॉर्टकट भी है? सर, अरे शॉर्टकट भी है इसका, और शॉर्टकट बहुत ऐसा शॉर्टकट है जो माइंड में एकदम फिट बैठ जाना है। चलो मैं एक बार बताता हूं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ गाइस, 2016 का डेटा है 140, 2017 का 120, 2018 का 180, 2019 का 200, इनको अगर मान लीजिए आपने एवरेज लेना, तो एक तरीका तो ये है कि हम ऐसे करें 140, फिर इसमें ऐड करूँ 120, फिर ऐड करूँ 180, फिर ऐड करूँ 200, ठीक है, इनको मिलाकर मिलाऊंगा तो ये बनेगा मेरा क्या 640। अब देखो, ऐड करने का भी ना एक वे होता है, जैसे मान लो 140 है, 120 है, 180 और 200 है, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले बड़े वाले जो नंबर उनको थोड़ा सा ऐड बैक करना चाहिए। जैसे देखो, 120 और 180 कितना हो गया 300, 300 और 200 500, 500 और 140 640, ठीक है, तो एक तरीका तो ये है 640 डिवाइड में 4 कर दो तो आ गया आंसर कितना आपका 160। एक तो नॉर्मल एवरेज जो है वो आपने यहां निकाल लिया, बट ये तो सिंपलीफाइड वर्जन है। अगर मान लो पॉइंट्स में डेटा आ गया या फिर डेटा जो है वो दिया गया, मान लो फ्रैक्शंस में आ गया तो डायरेक्टली दे दिया, मान लो सीधा डिवीजन हो गया। अगर मान लीजिए डेटा जो है वो इस तरीके से ना हो, फ्रैक्शन में हो, तो क्या करेंगे? तो यहां पे ना आप एक काम कीजिएगा, आपने एक वैल्यू अज्यूम कीजिएगा, एक वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग अज्यूम कीजिएगा जिसके तो आपको लग रहा है कि बाकी वैल्यू सारी घूम रही है। जैसे मेरे इस कॉन्सेप्ट के अंदर मान लो 140, 120, 180 और 200, ठीक है, मैंने यहां पे अपने आप एज्यूम कर लिया कि 150 मान लो एक वैल्यू लेके चला मैं, तो मैंने एज्यूम्ड एवरेज लिया कितना 150। अब देखना कितना सिंपलीफाइड है। अब क्या करना है आपको, सारी फिगर में से ना 150 150 माइनस कर दो,
140 में से 150 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 10, यहां लिख लो माइनस का 10, ठीक है। जो भी डिफरेंस है ना, डिफरेंस को ऐड कर लेना आप लोग, ठीक है। फिर 120 में से 150 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 30। 180 में से 150 माइनस करोगे, प्लस का 30। 200 में से 150 माइनस करोगे, प्लस का 50। आ गया। अब आपको क्या करना है, इन चारों वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है। अब एक बार देखो, माइनस का 30 प्लस का 30 दोनों कट गया, बचा क्या, माइनस का 10 और प्लस का 50। तो माइनस का 10 और प्लस का 50 दोनों को अगर मैं निकाल लूंगा तो क्या आएगा, प्लस का 40। प्लस का 40 अपॉन में 4 क्या जाएगा, 10। जो आपने एज्यूम किया था उसके अंदर अगर ये प्लस है आइटम तो क्या कर देना यहां पे, ऐड। और अगर ये माइनस आ जाती, मान लो ये 10 माइनस का आया था, तो यहां पे क्या कर देना, माइनस कर दो। तो 150 में 10 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या जाएगा आपका, 160। शॉर्टकट है, अभी लग रहे नहीं सर हम तो ऊपर वाले के थ्रू करेंगे, क्योंकि सर ये तो सिंपल था, बल्कि इसमें थोड़ा सा पजल हो गए भाई साहब। जब थोड़ा सा प्रैक्टिकल आ जाएगा ना, थोड़ा सा मान लीजिए फ्रैक्शन जो है वो स्टेटमेंट देना शुरू करेगा, तब ऊपर वाला मेथड इतना कारगर नहीं होगा, तो वहां बड़े पंगे होने वाले हैं। इसलिए आपको थोड़ा शॉर्टकट लेके चलना पड़ेगा। तो आराम से, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे मैं लेके चलूंगा, तो आप आराम से एक बार समझिएगा कि है क्या। तो मैंने क्या बोला, 16 से लेकर के 19 तक का डेटा आपको प्रोवाइड किया गया, 2016 का 140, 2017 का 120, 2018 का 180, 2019 का 200, चारों डेटा जो है प्रोवाइड किया गया। अब आपको यहां पे करना क्या था कि आपको ना यहां पे इनके एवरेज लेके चलना है। क्या लेके चलना है, आपको एवरेज निकालना है। तो एक तो नॉर्मल वे है, चारों को ऐड करो, डिवाइड बाय 4 करो, एवरेज निकल गया। शॉर्टकट लगाएंगे, शॉर्टकट में आपको क्या करना है, एक वैल्यू अपने अकॉर्डिंग, तुम 140 लेके चल पड़ो, तुम 120 लेके चल पड़ो, जो तुम्हारा मन करे तुम वो लेके चल पड़ो। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर लिया कितना, 150 वैल्यू एज्यूम किया, उसके बेस पर मैंने निकाला। अब क्या है, जो भी आपकी वैल्यू आई है ना, उसमें से माइनस कर दोगे 150, ठीक है। तो 140 में से 120 माइनस कर, 150 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 10। 120 में से 150 माइनस करूंगा, माइनस का 10। 180 में से 150 माइनस करूंगा, प्लस का 30। 200 में से 150 माइनस करूंगा, प्लस का 50। अब इन चारों को ऐड कर लो तो 30 से 30 डायरेक्टली कट गया, बचा गया आपका माइनस का 10 और प्लस का 50। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो प्लस का 40 आ गया, 40 अपॉन में 4 आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। 150 में सीधा प्लस करो, ऐड 10 को, आंसर आ जाएगा क्या, 160। और अगर ये माइनस में आता तो 150 में माइनस करो जो भी आंसर आया, और फिर आपका आंसर आया था। आ रही है बस समझ में जी सर, प्रैक्टिस कराओ एक बार, दूसरा और बताओ, आ जाओ। ये देखो, ये अगला क्वेश्चन, अब ये दे दिया आपको, मेरी बात समझिएगा। 310, 300, 323, 322 और 298, ये आपको ने एक क्वेश्चन दिया और बोला जी इनका जो है वो आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। इनका एवरेज कैसे निकालें, तो एवरेज निकालने के लिए मैंने एक वैल्यू ले लिया, आपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर लिया। तुम कुछ भी ले लो भाई, तुम कुछ भी लेके चल सकते हो, बट वैल्यू ऐसी लेना कि जिससे कंप्यूटेशन करने में, एडलेस करने में थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो मैंने अपने अपना एक एज्यूम्ड एवरेज ले लिया कितना, 310। अपना 310 को ऊपर वाली जितनी भी वैल्यू दे रही है उनमें से माइनस करो। हाँ जी, 310 में से 310 जाएगा 0, 300 में से 310 जाएगा माइनस का 10, 323 में से 310 जाएगा प्लस का 13, 322 में से 310 जाएगा प्लस 12, 298 में से 310 जाएगा माइनस 12, ठीक है। माइनस 12 से माइनस 12 कट गया, खत्म। बाकी बचा क्या, माइनस 10 और यहां प्लस का 13। तो माइनस का 10 और प्लस का 13 अगर मैं लेके चलता हूं तो क्या गया, प्लस का 3। 3/5 एवरेज कर दो, 3/5 जो है इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं, ये तो सीधा आ गया। 3/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.6, या ऐसे भी कर सकते हैं। 1/5 कितना होता है, 1/5 होता है सर 0.2, और 3/5 कितना होगा, मल्टीप्लाई में 3 कर दो तो यह आ जाएगा अपना क्या, 0.2 * में 3, तो ये 0.6। आ रही है बस समझ में, बोलो जी सर। इस तरीके से भी हो सकता है। अब आपको करना क्या है, सीधा ये 310 लो, 310 में से प्लस के आइटम है ना, हाँ जी सर, प्लस का दो 0.6, आंसर आ जाएगा 310.6। आप ऐसा भी कर सकते हो, एक तरीका वो भी है देसी तरीका, 310, 300, 323, 322, 298, इन सबको ऐड करो, ऐड करके डिवाइड करो 5 से, ठीक है, आंसर आएगा वही आपका 310.6। लेकिन वक्त, वक्त की ही कीमत है, आपका टाइम बहुत क्रूशियल है, जल्दी से पेपर पास करना है, फिर जल्दी जल्दी जेआरएफ करना है, और जेआरएफ करने के बाद जल्दी जल्दी जो है इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर बहुत रोल तुम्हारा रोल प्ले करोगे भाई साहब, भाई साहब, क्योंकि आप ही हो जो आगे जाके बच्चों को पढ़ाओगे, तो बच्चों का भविष्य तुम्हारे ऊपर टिका हुआ है, और तुम्हारा भविष्य जो है वो भी पेपर के ऊपर टिका हुआ है। तो पेपर बढ़िया होगा, तुम्हारा भविष्य बढ़िया होगा, तो जाके आगे, तो जो नॉलेज अभी गेन करोगे उसी नॉलेज का एप्लीकेशन ही आगे जाके करोगे, मेरी बात समझ जाना। अभी लर्निंग स्टेज है, बाद में अर्निंग स्टेज आएगा, तो अभी लर्न करो, फर्स्ट लर्न देन अर्न, ठीक है ना। तो बढ़िया तरीके से सीखो बातों को, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करेंगे ना। तो एक तरीका तो आपको मैंने नॉर्मल वाला बता दिया कि आप वो जो वैल्यू दिया उनको क्या करो, ऐड करो, ऐड करके डिवाइड बाय 5 करो, लेकिन अपने पास में इसका शॉर्टकट ट्रिक है। शॉर्टकट क्या, एज्यूम्ड वैल्यू ले लो, मैंने एज्यूम्ड लिया 310, उसके अकॉर्डिंग मैंने निकाल लिया, 310 के अकॉर्डिंग निकाल लिया, बस करना क्या है, सब वैल्यू में से 310 माइनस करो, माइनस करके उसको डिवाइड कर दो 5 से, आंसर आ जाएगा जो भी जितने भी साल का डेटा दे रखा है। चलो दूसरा करके दिखाता हूं,
अब ये आप देखो 50 55 60 और 65 चार आपको जो है वो डेटा प्रोवाइड किया और बोला इनका एज्यूम करो। देखो नॉर्मल भी आप कर सकते हो 50 55 60 65 आपको 4 साल का डेटा दे रखा है, इसका नॉर्मल तरीके से भी अगर आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। देखो इसको जोड़ना हो ना अगर तो कैसे करेंगे, 65 और 55 कितना हो गया 120 और ये 60 और 50 कितना हो गया 110 हो गया। तो 120 और 110 230 को डिवाइड करोगे कितने से 4 से, तो आंसर आएगा आपका क्या 55 ही आएगा। आंसर क्या आएगा 55 ही आएगा। लेकिन आपको करना क्या है, आप इसका शॉर्टकट लगाओ। मैंने एज्यूम कर लिया, सॉरी आंसर क्या आएगा 57.5। मैंने एज्यूम कर लिया कितना, एज्यूम मैंने एवरेज लेके चला कितना 55 ले लिया। अब आपको करना क्या, हर वैल्यू में से 55 को क्या करो माइनस करो। 50 में से 55 माइनस करूंगा माइनस 5, 55 से 55 माइनस किया 0, 60 में से 55 माइनस करूंगा प्लस का 5, 65 में से 55 माइनस करूंगा प्लस का 10। ये आ गया, ये देखो अब माइनस, अब माइनस का 5 और प्लस का 5 कट गया, बचा क्या 10, 10 अपॉन 4 बोले तो 2.5। आंसर क्या आपका, आंसर क्या था आपने एज्यूम क्या किया 55 प्लस की वैल्यू है ना, तो प्लस कर दो क्या 2.5। आंसर क्या आएगा 57.5। आ रही है बस समझ में, बोलो जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक और जो है तो करते हैं 80 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 90, ये आपको दिया। अब इसको कैसे करना है, तो एक तो वही नॉर्मल घिसा पिटा तरीका हम लगाएंगे नहीं, हम तो अपना शॉर्टकट लगाएंगे। शॉर्टकट के अंदर पहले आपको एक वैल्यू का ज्यूम करना पड़ेगा। देखो 80 50 70 90 कहीं ना कहीं 70 के इर्द गिर्द घूम रहे, तो मैंने 70 जो है वो क्या मान लिया एज्यूम्ड एवरेज। अब हर वैल्यू में से 70 माइनस करो, 80 माइनस 70 प्लस का 10, 50 माइनस 70 माइनस का 20, 70 माइनस 70 0, 90 माइनस 70 20। ये आ गया, इनको ऐड करो, ऐड करके और डिवाइड करो 4 से। अब ये देखो आपका ये प्लस का 20 माइनस का 20 कट गया, बाकी बचा गया 10, 10 अपॉन 4 तो कितना गया 2.5। एज्यूम क्या किया था 70, 70 में से 2.5 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा 72.5। कर सकते हो, बोलो जी सर। ये है जी सिंपल तरीका, बताओ कितना इजी है यार, कुछ भी नहीं है। करोगे ना अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे देन कुछ भी नहीं लगेगा आपको, लगेगा ये कुछ हलवा है बिल्कुल ही, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब ना कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे मान लो ऐसा बोलेगा कि आपको 28% निकालना है ऑफ मान लो कोई भी वैल्यू का, मान लो 600 का, तो कैसे निकालें। तो अब एक तरीका तो ये है 28 अपॉन में 600 इंटू में 100 करके, ठीक है, एक तो ये तरीका हो सकता है। लेकिन कई बार क्या है कि इस तरीके से हमेशा जो है वो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, मतलब जो है आपने ये कर लिया, चलो ये कट गया, फिर आप ये करोगे कि 6 से इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं करके दिखाऊं आपको, तो आप क्या करोगे 6 4 = 24, 6 इंटू में 4 के 24, तो बाकी बचा कितना 4, तो पॉइंट लग जाएगा तो 40 हो जाएगा, फिर 6 6 जा, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। बट मैं बोलता हूँ ऐसे क्यों करना भाई, हमारे पास एक शॉर्टकट टेक्निक जो है वो अपने को दी हुई है। वो शॉर्टकट क्या बोलता है, देखो कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए अगर कंपटीशन थोड़ा सा वर्स्ट हो जाए, तो आपको वहां पे क्या करना है, हमारा शॉर्टकट टेक्निक लगाना है आपको। मतलब जब आप एवरेज निकालेंगे ना, अभी इसका मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। मैंने कमेंट के अंदर देखा बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर 26 तारीख को जो पेपर आया था कॉमर्स का वो बड़ा मुश्किल था, उसका कंपटीशन करके बताना भाई। ये जो है ना, ये सारा वहीं पर अप्लाई करेंगे आप, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से। अब इसको समझो एक बार, देखो जब कभी भी ये आ जाए ना, मान लो कुछ ऐसा आ गया भाई, अब आपको 28 अपॉन में 600 करना है, तो आपको स्टार्ट डिनोमिनेटर से करना चाहिए, यू हैव टू स्टार्ट विद द डिनोमिनेटर, ठीक है। आप नॉर्मल लेके चलो, देखो ये 600 कितने परसेंट का वैल्यू है सर 100% का, 10% कितना होगा, 600 का 10% कितना होगा सर 60 होगा, 1% कितना होगा 6 होगा। ये तो नॉर्मल आप निकाल सकते हो, इतना तो आता ही होगा कि अगर 100% 600 दे रखा है ना, 600 100% का वैल्यू है भाई साहब, अगर 600 100% का वैल्यू है तो 10% कितना होगा, तो 600 इंटू में 10 बटे में 100, आंसर क्या आएगा आपका 60, ठीक है। उसी तरह 1% निकाल लिया, आ गया। अब ना आपको निकालना क्या है, आपको निकालना मान लो सबसे पहले हमने बोल दिया ये आपका ना एक वैल्यू निकल के आया, मैंने ऐसे अपने आप से निकाल लिया। अब आपको करना क्या है, देखो यहां बोलता है 43% निकालना है, 43% ऑफ 600, अगर 43% ऑफ 600 निकालना है, तो एक तरीका तो ये 43 अपॉन 600 इंटू में 100 करके आप वो वैल्यू निकाल सकते हो। बट यहां पे मैं क्या बोलता हूं कि आप ना थोड़ा बढ़िया तरीके से काम करो, मतलब सॉरी ये देखो आपको निकालना 43% निकालना है, किसका 600 का 43% निकालना है। तो 43% निकालने का एक वे तो ये है कि आप पता क्या करो, आप ऐसा करो, ये देखो जैसे मैं बोलता हूं यहां पे, मतलब या तो आप एक तरीका तो आपका ये है कि 43 इंटू में 600, ठीक है, अपॉन में 100, तो ये आप करके और ये आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन ना ये तो चलो सिंपल वाला आ गया, जब अगर मान लो फ्रैक्शंस में आता, बड़ी बड़ी कंपटीशन होता, तो फिर क्या करते बोलो। तो इसका एक तरीका है, आप ना 43% निकाल लें, तो इसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हो 40 + 3, बोलो हाँ जी सर कर सकते हैं। अब एक बात देखो, 10% की वैल्यू कितनी है, 10% कितना होता है 60, तो 40% कितना हो जाएगा 60 इंटू में 4,
10% अगर जो है ये 40 है ना, तो 40 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10% इंटू में 4 तो 40, और ये 3% है तो इसको 1% इंटू में 3 लिख सकता हूँ, हाँ जी सर 3% हो गया। तो इसको ना 10% का वैल्यू कितना है, 10% का वैल्यू है सर 60, 60 इंटू में क्या करोगे 4 करोगे तो कितना हो गया 240। 1% का वैल्यू कितना 6, इंटू में 3 करोगे कितना हो गया 18, दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा 258, क्या आएगा 258। इस तरीके से हो सकता है, मतलब ये है कि अगर आपको कंप्यूटेशन करना है तो एक तरीका ये भी है, क्योंकि देखो अभी देखने में बड़ा सिंप्लीफाइड लग रहा है आपको पहले वाला तरीका, क्यों, क्योंकि उसमें नॉर्मल तरीके से भी हो जाएगा, बट अगर पॉइंट्स में क्वेश्चन आ गया या फ्रैक्शन के अंदर आ गया देन फिर आप क्या करने वाले हो, तो उसका एक शॉर्टकट है अपने पास में। शॉर्टकट क्या है कि अगर आपको 43% निकालना है तो आप एक काम करो 43 को तोड़ दो, ठीक है, तो आपने क्या किया 40 प्लस में 3, 40% का वैल्यू अलग निकाल लो, 3% का वैल्यू अलग निकाल लो, उससे क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा काम, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे मैंने इसका एक और आगे निकाल के दिखाता हूं आपको, ये देखो 63.5% निकालना है, 63.5% निकालना है किसका 600 का। अब 600 का अगर 63% निकालना है तो इसको ऐसे भी कर सकते हो 60%, देखो कैसा 60 प्लस में 3% और प्लस में 0.5%, जैसे मान लो हमने निकाल लिया 60% हो गया, ठीक है, फिर 3% हो गया और फिर क्या हो गया 0.5% हो गया, ये हो गया। अब इसको आप निकालेंगे कैसे, देखो 60 को कैसे 10 इंटू में 6 कर सकता हूँ, 3 को कैसे 1 इंटू में 3 और 0.5 को 1 इंटू में 0.5 कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 10% का वैल्यू जो है वो कितना था 60 था, तो 6% का कितना हो गया 360, 10% का वैल्यू बस आपको यहाँ पे क्या करना है प्लेस करना है, तो ये 10% जो है ये वैल्यू कितना था इसका 60 था ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 1% का वैल्यू कितना था 6, इसको बस यहाँ पे पुट कर दो 6 इंटू में 3, और ये जो है ये कितना था आपका 1% का वैल्यू कितना 6, 6 इंटू में 0.5, तो इसको मल्टीप्लाई कर 360, 6 थी 18 और इसको करूंगा तो 3, तीनों को जोड़ो आंसर आ जाएगा। अब देखो अब यहां पे थोड़ा विजुलाइज करो, अगर ऐसे निकालना पड़ता देसी तरीके से तो आप क्या करते 63.5 इंटू में 600 अपॉन में 100, ऐसा करके आपको वैल्यू निकालना पड़ता, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता, ठीक है ना। तो इसका तोड़ने का तरीका क्या है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर दो, पहले क्या कर उसको फ्रैक्शन उसको जो है वो खिंडा दो, खिंडा दिया मैंने क्या किया 63.5 को मैंने निकाल दिया, मैंने 60% किया 4% किया और 0.5% किया करके और वैल्यू अपना निकल जाएगा। इसका एक मोड और भी है, मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि मैं 60 प्लस में 4 और माइनस में जो है 0.5, ऐसे करके भी आ सकता है, ऐसे करके भी निकाल सकते हो। तो जैसे मान लीजिए आपने यहां पे कर लिया 60% का वैल्यू तो आ गया 360, ठीक है, प्लस में 4% का वैल्यू निकाल लिया तो कितना आ गया 24 और माइनस में 0.5% का वैल्यू कितना है जी आपका 3, तो ये करके भी आपका 21 आ जाएगा, तो ये 360 प्लस में 21 कितना हो गया आपका, वही आपका आंसर आ गया 381। तो 63.5 ऐसे भी निकल सकता है आपका, अलग अलग वे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे सहूलियत हो रही है, ठीक है ना। तो अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए आपको कंपटीशन कुछ इस तरीके से करना है, थोड़ा ध्यान रखना मेरी बात, ओके जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक कई बार ना ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो जैसे ये अब ये बोल दिया 750 का 34.5% निकालो, अब अगर 750 का 34.5% निकालना पड़े तो भाई एक तरीका तो वही है, क्या कौन सा कि 750 इंटू में 34.5 अपॉन में 100, लेकिन इसको कंप्यूट करोगे ना तो बहुत वक्त लग जाएगा तुम्हारा। इसका शॉर्टकट तरीका 34.5 निकाल लेना, देखो 750 है, 750 100% का वैल्यू है, 10% का 75, 1% का 7.5, ओके जी सर। अब आपको 34.5 निकालना है, कैसे निकालोगे 30 प्लस 4 प्लस 0.5, तो मैंने क्या किया 30% लिया 4% लिया 0.5 लिया, 30% कितना हो गया 10% का वैल्यू 75, तो 10 इंटू में 3 कर दो कितना हो गया 225 हो गया। अब 4 लेना है, 1% का वैल्यू कितना था 1% का 7.5, तो 4 का कितना हो गया 7.5 इंटू में 4 कर दो कितना हो गया 75, 7.5 इंटू प्लस 7.5 कितना हो गया 15 और 15 कितना हो गया 30 ले लिया, और फिर क्या करना है 7.5 का 0.5% कर दो, तो 7.5 इंटू में 0.5 करके कितना 3.75 करेंगे, तो आंसर आएगा क्या 258.75। इस तरीके से भी आपका हो सकता है, ओके बोलो जी सर, ये है आपका शॉर्टकट मेथड। तो ये शॉर्टकट मेथड ध्यान में रखिएगा, इसको आप अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर, ओके जी सर। एक ना एक और भी है, छोटा सा पॉइंट और भी है, वो भी मैं सोच रहा डिस्कस कर ही देता हूं। देखो कई बार ऐसा आएगा, बोलेगा 280 जो है वो कितना परसेंट है 288 का, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको ये बताना है कि 280 कितना परसेंट है 288 का, तो इसका मतलब 280 कितना परसेंट है 288 का, तो रेफरेंस किसका 288 का, फर्स्ट लेक्चर में बताया था रेफरेंस हमेशा क्या आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, जिसको निकालना है वो आएगा का न्यूमरेटर में, तो इसको ये कुछ इस तरीके का है 280 अपॉन में 288 इंटू में 100,
ठीक है। अब इसको अगर निकालना हो तो आप पहले स्टार्ट करो कहां से, डिनोमिनेटर से, ठीक है। अब ये देखो 288 कितने परसेंट का वैल्यू है सर, आपको निकालना है ना कि 280 कितना है 288 का, ठीक है, ये निकालना है। तो देखो दोनों में पहली बात तो डिफरेंस कितना है, 8 का डिफरेंस है। अब आपको निकालना है यहां पे कि ये 8 288 का कितना परसेंट है। तो हमने यहां पे किया, हमने यहां पे क्या किया, 100% वैल्यू कितनी है 288, 10% कितना आ जाएगा 28.8, 100% 288 है, 10% है तो 1 पॉइंट आ जाएगा, 1% है तो ये 2.88 आ गया। ये तो नॉर्मल है, ये तो हर कोई निकाल सकता है, क्योंकि 1% करने के लिए क्या, देखो 10% करना है तो क्या होगा, 288 इंटू में 10 अपॉन में 100, तो ये कट गया और ये जो है वो आपका ये पॉइंट आ जाएगा। उसी तरह अगर मान लो 1% निकालना हो तो 288 इंटू में 1 अपॉन में 100, ये दोनों कटेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, इस तरीके से आपका निकलता है, ठीक है। तो ये आपने निकाल लिया, 288 100% का वैल्यू है, 10% निकला 28.8, 1% निकला 2.88 हो गया जी। अब ना ये एक बार देखो, ये 2.88 है, कहीं ना कहीं क्लोज है किसके, 3 के, ये कहीं ना कहीं क्लोज है किसके, 3 के। अब एक बार देखो आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और 8 का डिफरेंस जो है अगर मैं परसेंटेज में लेके चला, ये तो एब्सोल्यूट अमाउंट है, ये तो मेरा एब्सोल्यूट अमाउंट है, अगर मैं ये लेके चला, ये जो 8 का डिफरेंस है तो मेरा एब्सोल्यूट अमाउंट है, अगर मैं परसेंटेज में लेके चला तो अप्रोक्स कितना आ रहा है जी, अप्रोक्स अगर मैं लेके चलता हूं तो 3%, कितना 3%। तो हम बोलेंगे कि हमारा आंसर जो है ना वो क्या आ गया, 100 में से 3% माइनस करूं तो क्या आएगा 97, अप्रोक्सीमेटली 280 जो है वो 90% है किसका, 288 का, 280 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 97% है, सॉरी किसका, 288 का। तो अगर आप 288 का 97% करेंगे तो आपका आंसर मोर और लेस हो किसके को रहेगा, 280 के बराबर आएगा। इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दीज ऑल आर द शॉर्टकट टेक्निक्स जिनको हम क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करके और अपना क्वेश्चन जो है वो पूरा करेंगे। ओके जी सर, चलो ये तो हो गया अपना शॉर्टकट। अब आप करते हैं क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन बहुत ही भयंकर वाला क्वेश्चन है, बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है, प्यार से पढ़ेंगे ना तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर थोड़ा सा भी मतलब अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया तो भैया क्वेश्चन अपना लटक जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलो हम शुरुआत करते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से कृपया करके वीडियो पॉज करके एक बार आप इसको लिख लीजिएगा, लिख लेंगे तो ये अभी थोड़ा वक्त लग जाएगा यार, लेकिन ये है कि पेपर के अंदर जब आप बैठेंगे ना तो सीरियसली बता रहा हूं आपको, शॉर्टकट अगर आपको माइंड में आ गया ना तो पेपर 10 नंबर आपके फ्री के हैं डीआई के, ठीक है ना। चलो आइएगा हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा वो है जी अपने 26 जून का, 26 जून को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने आपको चार टेक्निक बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो, जब भी डीआई का क्वेश्चन करना है तो आपको करना है, सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट दी हुई वो ढंग से पढ़नी है, दूसरे नंबर पर आपको जो क्वेश्चन बोला वो ढंग से पढ़ना है, तीसरे नंबर पर जो बोला सिर्फ वही कंप्यूट करना है, और चौथे नंबर पर जो है वो क्या अप्रोक्सीमेशन के ऊपर जाना है अपने को। ओके, वो चारों टेक्निक मेरी जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था उसको आप माइंड में सेट कीजिएगा, वही टेक्निक के बेस पर अपने को क्वेश्चन करना है। ओके जी सर, चलो आप करेंगे। क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, बोलता है रीड द फॉलोइंग कॉम्प्रीहेंशन, बोला इस कॉम्प्रीहेंशन को पढ़े एंड आंसर द क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, बोला ये टेबल, सॉरी ये यहां पे ना, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, बोला ये टेबल आपको पढ़ना है जो शो करता है एक्सपेंडिचर, यहां पे ना कुछ खर्चा दिया गया है कंपनी का, किसमें दिया हुआ है, लाख रुपीज में, ये सारा जो नीचे आपको डेटा दिया हुआ है किसमें दिया हुआ है, वो लाख्स में दिया हुआ है, किसमें, लाख में। आगे पर एनम हर साल का, गिवन ओवर द गिवन ईयर, पर एनम ओवर द गिवन ईयर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डेटा कंटेंट, जो आपको यहां पर डेटा दे रखा है उस डेटा के बेस पर आपको जो है वो कुछ क्वेश्चंस के जो है वो क्या देने हैं, आंसर देने हैं। टोटल मिला के आपको दिया यहां पे कंपनी का खर्चा, किसमें है जी खर्चा, पहली बात तो लाख रुपए में है, ठीक है, जैसे अगर ये 150 है तो 150 लाख है ये, ठीक है, फिर ये 90 है तो 90 लाख है, बोनस 2 है तो 2 लाख है, इंटरेस्ट ऑन लोन 20 लाख है, टैक्स 80 लाख है, तो ये तो सारा खर्चा दिया किसमें दिया जी आपको, किसमें, लाख में दिया, ठीक है। तो यहां पे बता दिया एक कंपनी का खर्चा बता रखा है, सैलरी का, ट्रांसपोर्ट का, बोनस का, इंटरेस्ट का और टैक्स का। तो मुझे ये पता चल गया जी, मेरे को जो स्टेटमेंट दे रखी है, मेरे को जो डेटा अवेलेबल है वो किसी एक कंपनी का है और उस कंपनी का मुझे यहां पे खर्चा बता रखा है। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आप इसको अटेम्प्ट करने बैठे तो आपको सबसे पहले ऊपर की जो स्टेटमेंट होती है ना ये ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये जो स्टेटमेंट है ना आपका यही आपको बताएगी कि एक्चुअल में दे क्या रखा है। तो इसने बताया कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, बोला टेबल को पढ़ो जिसमें क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, क्या दे रखा है, आई हाईलाइट इट, एक्सपेंडिचर किसका, कंपनी का, किसमें जी, लाख रुपीस के अंदर है, पर एनम ओवर द गिवन ईयर। अब आपको यहां पे ना कुछ क्वेश्चन है उनका जो है वो क्या देना है जी, आंसर देना है। आइएगा एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहां पे दे रखा आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, ये कुछ खर्चे के खर्चा खुर्चा जो है वो दिया हुआ है, तो क्या सैलरी, ट्रांसपोर्ट, बोनस, इंटरेस्ट और टैक्स, टोटल मिला के कितना खर्चा है, 5, सैलरी, ट्रांसपोर्ट, बोनस का, इंटरेस्ट का और टैक्सेस का, कितने साल का है, 5 साल का, 2008, 9, 10, 11 और 12, 5 साल का आपको डेटा जो है प्रोवाइड किया हुआ है। चलो जी एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चलो जी चलो आइएगा शुरुआत करते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस, आपको क्या बताना है यहां पे,
टोटल अमाउंट बताना किसका, बोनस का, जो पे किया है कंपनी ने ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, पूरे कई पांचों सालों के अंदर कंपनी ने कितना बोनस पे किया, इस अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट की, वो कितना परसेंट है, वो कितना परसेंट है किसका, सैलरी का। मतलब कंपनी ने जो पांचों साल में जो बोनस पे किया है, वो बोनस पांचों साल में दी गई सैलरी का कितना परसेंट है। अभी जो क्वेश्चन पढ़ गए 288 कितना परसेंट, 280 कितना परसेंट है 288 का, जो अभी हमने पढ़ा ना वही क्वेश्चन एप्लीकेशन हो गया। अब आपको निकालना है यहां पर कि कितना परसेंट है। एक बार एक काम करते हैं, आपको क्या पूछा कि बोनस, बोनस कितना परसेंट है किसका, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द सैलरी, तो सैलरी के रेफरेंस में बात की गई है, सैलरी आएगा डिनोमिनेटर में, तो मतलब यहां पर ऐसा कुछ होगा बोनस अपॉन में सैलरी, बोनस अपॉन में सैलरी। अब इसका कंपटीशन जो है वो होगा कैसे, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो पहले एक काम करो जल्दी से बोनस का टोटलिंग मारो, ये बोनस का टोटल मारना ठीक है, और फिर सैलरी का टोटल करो। अब आपको टोटल का टेक्निक समझो पहले मेरी, जब भी टोटलिंग अगर आप करते हैं, जैसे यहां पे तो बोनस का तो नॉर्मल सा दे रखा है 2, 2.5, 2.75, 3, 3.25, तो इसको करने के लिए पहले ना आपको डेसिमल क्या करना चाहिए, इग्नोर सबसे पहले नॉर्मल को ठीक है। अब जैसे यहां तो चलो सीधा ये दे दिया अपने को भाई 2, 2, 2 फिर 3 और 3 ठीक है। अगर मान लो ज्यादा होते ना तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आप लो बेसिक वो ले लो और जो एक्स्ट्रा ना उनको ऐड करना चाहिए, जैसे मान लो 2 जो है कितने बार है, 5 बार है ना, तो 5 बार 2 कितना हो गया 10, और एक्स्ट्रा 3 और 3 है 1, 1 बार, 1 1 से 2 बार फालतू है ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो, या मेरा सिंपल तरीका क्या, 2, 2, 4, 2, 6, 6 और 3, 9 और 3, 12 12 और फिर प्लस में अब आपको करना पड़ेगा क्या, 7.5 और 0.25 कितना हो गया 1, 12 और 1 13 और 13 और ये 0.5, तो आंसर क्या गया 13.5। तो नॉर्मल सा आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे देखो यहां आपका जो देसी तरीका है 5 और 5 कितना हो गया 10 की पावर, ये 0, 1 कैरी का 1, 5 और 1 6 और 7 कितना हो गया 13 और 2, 15 का 5 फिर आ गया 1 आ गया 2 और 1 3, 3 और 2, 5, 5 और 2 7, 7 और 3 बोलो 7 और 3 10, 10 और 3, 13 ऐसे भी हो सकता है, लेकिन आप डायरेक्टली मारेंगे ना यार, इतना वक्त नहीं है हमारे पास में, आप डायरेक्ट मारेंगे क्या, सबसे पहले जो पॉइंट्स के बाद क्या जो आपको डिजिट दे रखे इग्नोर, पॉइंट से पहले वाला डायरेक्टली उनको उठा, एब्सोल्यूट जो अमाउंट है 2 और 2, 4 और 2, 6 और 3, 9 और 3, 12 12 आ गया। अब साथ में देख लो 0.75 और 0.25 1 हो गया 12 और 1, 13 हो गया, या फिर एक बार 12 अलग हो गया, जैसे 12 को मैंने यहाँ अलग से लिख लिया और फिर मैंने क्या 0.75, 0.25 कितना हो गया 1 और ये 0.5, 1.5 तो ये सीधा करके और ये आ जाएगा क्या 13.5। लो जी 13.5 आ गया। अब इसको सैलरी का जोड़ मारना है, तो सैलरी का जोड़ अगर मारना है तो इसके लिए ना आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। वैसे देखो यहाँ तो डायरेक्टली आपको डेटा आपको जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो अपना देसी तरीका लगा के, जैसे 0 फिर अब इसको निकालो ना 8, 5, 13, 13 और 9 इस तरीके से निकालो ना 21 का 1 हासिल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इस तरीके से, एक मिनट ना 8 और 5, 13 8 और 5, 13, 13 और 4, 17 17 और 5, 22 एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये हो गया ना 8, 5, 13, 13 और 4 कितना हो गया 13 और 4, 17, 17 और 5, 22 का 2 22 का 2 आ गया, फिर हासिल 2, 2 और 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आ गया 1020 ये आ गया 1020 ठीक है। और यहां दिया गया 13.5, तो आपको यहां पे ये बताना है कि बोनस जो है वो सैलरी का कितना परसेंट है, तो इसको निकालेंगे कैसे, देखो मैंने आपको यहां बताया, तो बोनस अपॉन सैलरी करना है, तो ये देखो बोनस कितना है जी 13.5, सैलरी कितनी है 1020, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, बोनस बताना है, बोनस हाउ मच परसेंट किसका, सैलरी का, तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने लिखा है 13.5 अपॉन में 1020 इनटू में 100। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको कंप्यूट करना शुरू करूं, एक तरीका तो ये है मैं 0 से 0 माइनस करूं, कैंसिल करूं और फिर मैं इसको क्या करूं कंप्यूट करना शुरू करूं। भाई वक्त नहीं है मेरे पास में, तो क्या करो डिनोमिनेटर से शुरू करो, स्टार्ट विद द डिनोमिनेटर। अब एक बात बताओ ये 1020 जो है कितने परसेंट का वैल्यू है 100% का, 10% का कितना आएगा, 10% का कैसे निकालते हो 1020 इंटू में 10 अपॉन में 100, 20 से 20 कट गया तो 102, 1% कैसे निकलेगा 1020 इंटू में 1 अपॉन में 100, मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, ये कट गया और ये आ जाएगा यहाँ, तो ये आ गया क्या 10.20, और 0.1% कैसे निकलेगा, तो इसको बस नीचे 30 आ जाएगा मल्टी वो करेंगे तो आंसर आएगा 1.02, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया स्टार्ट विद द डिनोमिनेटर। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो स्टार्ट करना चाहिए कहाँ से, डिनोमिनेटर से। अभी कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन डायरेक्टली बताऊँ आपको पेपर के अंदर बैठोगे ना डायरेक्ट क्वेश्चन होगा आपका, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है मान लीजिए जहाँ पे आपको इस तरीके से अगर निकालना हो, तो आप जो है आपको शुरुआत करना चाहिए कहाँ से, डिनोमिनेटर से, कहाँ से डिनोमिनेटर, तो मैंने निकाल लिया। अब ये देखो मेरे को ये बताना है मेरे को वैल्यू क्या चाहिए 13.5 ठीक है, 13.5 बताना है वो कितना परसेंट है किसका 1020 का, तो अगर 1% लेता हूं तो 1% कितना आ गया
10.20, 1% कितना गया 10.20, मेरे को चाहिए क्या 13.5, शॉर्टफॉल कितना है जी, मेरे को ये वैल्यू मेरा 1% की है, मुझे चाहिए ये है, तो मेरा शॉर्टफॉल कितना 3.30। अब 0.1 का वैल्यू कितना 1.02, अगर 1.02 को 1.02.1% का वैल्यू है, 0.3 का वैल्यू क्या 1.02 into मैं 3 करूंगा तो क्या आएगा 3.06, मेरे को चाहिए क्या था जी 13.5, 10.2 है, 3.06 को ऐड करूंगा, करने के बाद जो आएगा वो क्या रहा है अप्रोक्स 13.26, और ये कहीं ना कहीं क्या अप्रोक्स है या नहीं है 13.5 का, बोलो जी सर। तो आंसर क्या आएगा आपका, अगर हम निकालेंगे तो आंसर आएगा क्या आपका, ये 1.3। आ रही है बात समझ में, बोलो जी सर। इस तरीके से आप जो है ये क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हो, एक मिनट रुकना, ये अपने ना पेपर के अंदर आया था ये क्वेश्चन आपका, और ये कब आया था मालूम, ये 26 जून को मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, ठीक है ना। अब ये पॉइंट्स का है तो थोड़ा ध्यान से अगर आप इसको करेंगे ना तो आपका इजीली हो जाएगा। तो फर्स्ट काम ने निकाल लिया, तो आंसर अपना क्या गया 1.3% आ गया। तो निकालना कैसे, तो मैंने एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, देखो अभी टाइम लगा लें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर में अपना वक्त नहीं लगना चाहिए। तो कैसे किया आपने, बोनस बताना है, बोनस सैलरी का कितना परसेंट है, तो जिस चीज को कंप्यूट करते हैं वो ऊपर आएगा, और जिससे जिससे रिलेट किया गया रेफरेंस है वो नीचे आती है, मैंने आपको बता रखा है। तो यहां पे हमने निकाल लिया, तो ये आपका 13.5 अपॉन में 1020, तो ये मैंने निकाल लिया। तो डिनोमिनेटर से स्टार्ट कीजिएगा, तो 1020 जो है वो 100%, ठीक है, फिर 10% कितना 102, 1% कितना 10.20, ठीक है, और आपको निकालना है 13.5, तो 1% पे तो आपका आ जाएगा कितना 10.2, ठीक है। अब इसके बाद में अब आपको शॉर्टफॉल कितना है 3.3 का, अब 3.3 के शॉर्टफॉल को निकालने के लिए क्या करो, 0.1% का वैल्यू कितना है 1.02, इंटू में 3 करूंगा तो 0.3% का वैल्यू आ जाएगा, कर दिया जी, करने के बाद मेरा वैल्यू आ गया 3.3। अब इसको जो है ये 3.06 आ गया, इसको इसमें क्या करो ऐड करो, करने के बाद 13.26 आ गया, ये अप्रोक्स आ गया वैल्यू, तो ये लो जी मेरा आंसर आ गया 1.3%। ओके जी सर, चलो जी आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है जी सेकंड क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेट रेशियो, आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द टैक्सेस, टैक्स के ऊपर 7 सालों में मिला करके टैक्स के ऊपर कितना खर्चा किया गया वो, एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट के ऊपर कितना खर्चा किया गया। तो इसको ऐसे करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन किसके ऊपर टैक्सेस, ठीक है, और रेशियो क्या, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन किसके ऊपर ट्रांसपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो टैक्सेस का जो है टोटल उसको ऐड करो, ट्रांसपोर्ट का टोटल ऐड करो, दोनों को बस अपना ये रेशियो करके दिखा दो। लो जी ये देखो टैक्सेस का कितना था जी, अगर बात करूंगा किसका टैक्सेस का, तो टैक्सेस का मैंने यहां पे कंप्यूट, ये एक बार इसको रफ कर दूं मैं, लो जी टैक्सेस का मैंने यहाँ पे निकाल लिया, टैक्सेस का मेरे को टोटल जो है यहाँ पे निकल के आ रहा है कितना, ये देखो अब इसको जोड़ना ना, तो इसको करने का एक तरीका, एक तो नॉर्मल देखो जैसे 100 और 105 हो गया, ठीक है। अब इनको आपको अगर ऐड करना है या तो आप नॉर्मल तरीके से करो, जैसे आप 5 और 5 10 और 5 15 का 5 1 कैरी वन आ गया, और 9 9 18 18 और 8 कितना हो गया 26 का 6 हो गया, और फिर आ गया 2 3 और 4 465। एक तरीका तो आपका ये है, आप इस तरीके से कर लो, या फिर यहाँ पे ना वैसे आप ये भी कर सकते हो, जैसे मान लो जो बड़ी बड़ी वैल्यू उनको पहले ऐड कर लो, जैसे मान लीजिए आपका 100 और 105 205, फिर उसमें 95 ऐड कर लो 300 और 80 कितना हो गया 160 इस तरीके से भी आपका वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जितना आपका प्रैक्टिस ज्यादा होगा ना उतना क्वेश्चन एक्यूरेट आपका निकलने का, मतलब स्पीड आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। टैक्स बताना है कि टैक्स जो है वो उसका प्रोपोर्शन बताना है किसके साथ में, आपके ट्रांसपोर्ट का खर्चा, आप ट्रांसपोर्ट का खर्चा ये दे रहा है, अब इसको आपको कंप्यूट करना है। तो इसको कंप्यूट करने का एक तरीका तो ये भी है कि आप मान लो जैसे आपने 100 अगर मान लो एज्यूम करते हैं, तो 100 में एक बार ये देखो, जैसे मान लो ये कितना हो गया 390 + 100 + 110, ठीक है कितना हो गया 300, लो 115 और 125 है ना, तो 15 और 25 को इग्नोर करके तो सीधा ऐड करो 300 और 200 500 में, अब 15 और 25 कितना 40 540, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है यार, वो आपके स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ ये तो चलो सिंपल है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसे सीधा आप कैसे कहते हैं 5 और 5 की 10 का 0 कैरी 1 9 और 1 10 11 12 13 14 का 4 0 1 आ गया 1 2 3 4 5 540 आ गया। अब आपको बताना है कि 465 और 540 में आपको क्या बताना है, ये देखो 465 और 540 के अंदर आपको रेशियो, लो जी 465 और 540 में रेशियो आ गया सब। अब इनको करेंगे कैसे, तो जो आपको लगता है जितनी बड़ी डिजिट से ये आपका डिवाइड हो सकता है उतनी बड़ी डिजिट से करो दोनों को। तो 4 अब 5 पे करता हूँ, तो 5 पे करूंगा तो ये आएगा 93, और इसको करूंगा तो ये आएगा 108। फिर अब ये 5 पे कर दिया पहली बार, अब फिर 3 पे करो तो ये आ गया 31, ये आ गया 36, करने के बाद ये अपना जी आ गया 31 और 36, ये है जी 4 देखो कहाँ पे है जी 4 है सर डी, लो जी अपना डी हो गया से।
ओके कितना सिंपल है यार, करने को आओगे ना तो आपको कुछ भी लगेगा, मैं गारंटी देता हूं आपको यूं लगेगा कि कुछ भी नहीं है, बस स्टेटमेंट आपको समझ में आनी चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट बतानी है किसका इंटरेस्ट का पर ईयर विद द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड। बोला एवरेज अमाउंट जो है इंटरेस्ट का बताना है, पांच साल का आपको इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा है और उसका आपको एवरेज निकालना है। अब देखो पांच साल इंटरेस्ट यहां पर अगर मैं लेके चलूं, इंटरेस्ट कितना है ये देखो, ये आपको इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है। इनका आपको क्या निकालना है जी, एवरेज। अगर मैं बात करूंगा किसका इंटरेस्ट का एवरेज निकालने का, तो एक तरीका तो वही है 20 प्लस में 30.5 प्लस में 35 प्लस 40 प्लस 42.5। अब ये देखो मैंने इसका कर रखा है यहाँ पे शॉर्टकट जो मैं अभी पढ़ के है ना, ये देखो ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द एवरेज, आपको निकालना है क्या एवरेज अमाउंट किसका इंटरेस्ट का पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे, जो कंपनी को पे करना है। तो देखो एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ये है कि आप इन सबको ऐड करो, 20 प्लस में 30.5 प्लस में 35.5 प्लस में 40 प्लस में 42.5, इन सबको ऐड करके और ऐड करके और डिवाइड करो 5 से। लेकिन मैं क्या बोला, वक्त नहीं है हमारे पास, ये तो बहुत लंबा छोटा हो जाएगा। आपा क्या करेंगे, आपा चलेंगे शॉर्टकट पे। शॉर्टकट हमारा क्या बोलता है, देखो ये 20, 30, 35, 40 और 42, इनमें एक ले लो आप, क्या एक एवरेज एज्यूम कर लो, ठीक है। मैंने कर लिया क्या 35, मैंने क्या कर लिया 35, अब हर एक में से 35 माइनस करो, 20 में से 20 में से पहले 35 माइनस करो -15, 30.5 में से 35 माइनस करो -4.5, फिर 35.5 में से -35 करो प्लस का 0.5, फिर 40 में से -35 करो 5, और फिर 42.5 में से माइनस का 5 करो 7.5। ये हो गया। अब यहाँ पे ये देखो इनका जोड़ कर लिया मैंने, ये मेरा माइनस वाले इनको सबको ऐड किया 19.5 माइनस का, और ये प्लस वाले मैंने सबको ऐड किया 13 आपका प्लस का, ठीक है। ये 5 साल का ना डिवाइड बाय 5 करेंगे। अब देखो 19.5 माइनस का 13 प्लस का, तो 6.5 क्या आ गया माइनस का, 6.5 माइनस का आ गया, ठीक है। 6.5 अपॉन में 5 करेंगे तो ये तो नॉर्मल सा 5 × 5 और फिर आपका 15 बचा 5, 3 × 15, ये 1.3 आ गया। अब आपको करना क्या, ये आपका एज्यूम्ड था, ठीक है, क्योंकि माइनस का आंसर है तो -1.3 और आंसर आएगा 33.7 लाख। करने को तो आप ये भी कर सकते हो, ये पांचों का सबका जो है वो क्या करो, आप इनको ऐड करो, ऐड करके 5 से डिवाइड करो, फिर जाके आपका आंसर निकले। लेकिन मैं बोल रहा हूं यार इतना मैं क्यों जाऊं, मेरे पास जब मेरे पास में शॉर्टकट अवेलेबल है देन फिर मैं शॉर्टकट पे जाऊंगा। तो शॉर्टकट इसका क्या बोलता है कि जब कभी भी एवरेज निकालना पड़े ना, तो आप ये देख लो कि अगर मान लो अगर आइटम्स जो हैं इसमें जो वेरिएबल्स हैं अगर एक दूसरे के आसपास हैं, देन आपको क्या करना है वहां पे कि आप वहां पे एक एज्यूम्ड एवरेज ले लो, उसके बेस पर आप कंप्यूटेशन कर लो, बहुत सिंपल हो जाएगा। कर सकते हो क्या जी सर, तो आंसर क्या है 33.7। लो जी 33.73 पे है और 3 कहां पे है, सी पे। चलो कितना सिंपल है यार, है या नहीं है सिंपल। अभी थोड़ा सा ऐसा लगेगा कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन जब आप इसको आराम से ठंडे दिमाग से अगर करेंगे ना, आराम से बैठ के पहले वो अपना बेसिक पढ़ के, देन आपको लगेगा कुछ भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ जी। अब बोलता है अप्रोक्सीमेट रेशियो बताना है बिटवीन किसके बीच में, टोटल एक्सपेंडिचर ओन ऑफ द कंपनी इन 2008 एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी 2009। तो बोलता है कि टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी ने जो 2008 में किया वो उसका रेशियो बताना है किसके साथ में, टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी का जो 2009 में है। अब इसको निकालने का एक तरीका है, 2008 का खर्चा सारा जोड़ो, ठीक है ना, जो 2008 का खर्चा है उसका सारा जोड़ लो। अब 2008 के खर्चे को जोड़ने के लिए जैसे आप क्या करेंगे, ये जो भी है ना ये सारा खर्चा आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। फिर 2009 का जो खर्चा है उसको क्या करना है, ऐड करना है। अब इसको ऐड करने का एक सिंपल सा तरीका बोलूंगा, देखो जैसे इसको ऐड करना है तो क्या, पहले ये देखो आपका ये जो बड़ी बड़ी फिगर है उनको ऐड कर लो, ये हो गया 150 और ये क्या 90, कितना हो गया 240, 150 और 90 कितना हो गया 240, फिर ये 80 और 20 कितना हो गया 100, 240 और 100 340 और फिर 2 342। अच्छा फिर इसको ऐड करना है, तो इसको ऐड करने का एक तरीका क्या, 180 और 100 कितना हो गया 280 हो गया। अब आपको क्या करना है, एक बार ना जो मतलब ये 5 हो गया 0.5 हो गया और ये इनको एक बार छोड़ दो, ठीक है। अब ये कितना हो गया जी आपका, अगर मैं लेके चलता हूँ, ये हो गया 180 और 100 कितना हो गया 280, जल्दी से 280 और फिर ये 90, इसको 90 ट्रीट करो और ये 30, 90 और 30 कितना हो गया 120। अब ले लो बाकी बची हुई कितना, 2.5 और 0.5 कितना हो गया, बोलो 2.5 और 0.5 कितना हो गया 3, 3 और 5 कितना हो गया 3 और 5 8, ये हो गया जी। तो ये आ गया आपका 408, क्या आ गया 408। अब इनका आपको एवरेज लेना है, अब एवरेज कैसे लेके चलोगे, आ जाओ जी एवरेज क्या मतलब इनका रेशियो लेना है। तो ये आ गया जी मेरा टोटल खर्चा 342 और 408, इनको पहले 3 से किया ये कटा 114, ये कटा 136, फिर इनको 2 से किया, ये 2 से कट के 57, ये 2 से कट के 68। सिंपल आंसर आएगा क्या 57:68 3 पे, और 3 जो है वो मेरा है कहाँ पे जी, सी पे। हो गया जी आंसर।
आ रही है बस समझ में? सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ना थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो यहां पे क्या है कि इसको ना ऐड करने का वे कई सारे आपके पास में, आप नॉर्मल भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको क्या बोलता हूं कि आप थोड़ा स्पीड में चलो। तो स्पीड में क्या करना है, जो पहले जो एक्यूरेट फिगर्स ही है ना उनको पहले ऐड कर लो, जैसे 150 और 90, 240, फिर 80 और 20 कितना हो गया 100 और 240 340, और फिर 340 और 2 कितना हो गया 342। सिंपल यार, सिंपल ही बिल्कुल ही। उसी तरह जब नीचे वाले को करना है तो क्या करना है, 180 प्लस में 100 कितना हो गया 280। अब इसमें क्या, 5 को एक बार इग्नोर करो, 0.5 को इग्नोर करो, 2.5 को इग्नोर करो, 280 हो गया, 280 और 90 और 20, 90 और 30 कितना हो गया 90 और 30 120, 280 और 120 कितना हो गया 400। अब बाकी बचा कुछ ऐड कर लो, 5 और 0.5, 5.5 और 2.5 कितना हो गया 8, 408 निकाल लिया आंसर। कर सकते हो जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले ध्यान से फिर सॉल्यूशन करेंगे। अगला क्वेश्चन बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर बताना ऑफ ऑल द आइटम ऑफ 2008 वाज एप्रोक्सिमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर 2012। बोलते 2008 के अंदर जो खर्चा हुआ था टोटल खर्चा वो कितना परसेंट है 2012 के खर्चे का, मतलब 2008 में जो आपने खर्चा किया वो 2012 के खर्चे का कितना परसेंट है। तो 2008 का पहले खर्चा निकाल लो फिर 2012 का खर्चा निकाल लो। मैंने यहां पे कर रखा है 2008 का, ये 2008 का खर्चा है, ठीक है, ये 2012 का खर्चा है। अब इनको निकालना है, अब निकालेंगे कैसे, तो मैंने आपको बता रखा है 2008 का खर्चा कैसा, 150 और 90 कितना हो गया 240, 240 हो गया, फिर ये 340 और 2 342, ये 342 आ गया। अब 2012 का खर्चा निकालो, 2012 का खर्चा आपको जो है वो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, जैसे अब यहाँ पे आप ना इसको इस तरीके से कर सकते हो, जैसे ना ये 250 है इसको तो पूरा लो, फिर ये 125 है ना 5 छोड़ दो, ये 3 छोड़ दो, ये 2 छोड़ दो, तो बाकी को ऐड कर लो, 250 प्लस में 120, 250 प्लस में 120 कितना हो गया 370 प्लस में 40 कितना हो गया 370 40 410 और फिर 100 हो गया कितना 510, 510 और प्लस में बाकी जो बचा कुछ है कितना, ये 5 6 7 8 9 10, 10.75, तो 510 प्लस में 10.75 कितना हो गया 520.75 ऐड कर लिया। करने का अपना भी है, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो नॉर्मल 0.25 प्लस में 0.5 0.75, फिर आगे आप बढ़ो, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि थोड़ा सा अगर फास्ट चल रहे ना तो थोड़ा सा माइंड को आपको मेकअप करके चलना पड़ेगा। तो ऐड कर लिया, ये 520 आ गया 520.75, तो आपको ये बताना है 342 जो कितना परसेंट है किसका 520.75 का। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो या तो निकालो, मतलब 342 अपॉन में 520.75 इंटू में 100 करेगी, या तो आप इसको कंप्यूट करो, बेटर वे जो है कंप्यूट करने के अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें काम कीजिएगा डिनोमिनेटर से लेके चलो। अब डिनोमिनेटर जो है वो कितना है 520.75, तो पहले 100% का वैल्यू निकालो, 100% का वैल्यू कितना आ गया 520.75, 10% का वैल्यू कितना आ गया 52% आ गया, उसके बाद 1% का वैल्यू निकाला 5.2 आ गया। अब देखो, अब मैं यहां पे कैसे निकालूंगा, देखो 10% है क्या 52, मुझे चाहिए कितना है भाई, मुझे चाहिए 342, मुझे कितना चाहिए 342, 10% है क्या 52, अगर 60% निकालूंगा तो 52 गुना में 6 कर दूं, 52 गुना में देखो 52 कितने परसेंट का वैल्यू है 10% का, 60% का निकालना है इंटू में 6 कर दूं तो आंसर कितना आएगा 312, मुझे चाहिए कितना 342, 342 ये 312 आ गया, अभी भी 30 का डिफरेंस आ गया। अब 30 कितना परसेंट है, अगर मैं लेके चलूं तो 1% कितना है 5.2, अप्रोक्सीमेटली 30 जो है वो कहीं ना कहीं जो है आपका क्या 6% के आसपास आ गया, नहीं आ गया, बोलो बोलो बोलो, क्योंकि अगर ये 5.2 है तो इसका अगर 5% भी निकालता हूं तो 5% जो है वो कितना गया 5.2 इंटू में 5 तो 5 2 10 और 5 5 25 26, ठीक है, या फिर अगर आपको 30 चाहिए ना तो आप एक काम करो इसका 6% निकाल लो, तो अप्रोक्सीमेटली आपने 6% जो है वो क्या कर लिया कंप्यूट कर लिया, शॉर्टफॉल कितने का था 30 का, कितने का था 30 का, वो जो अभी ऊपर कॉन्सेप्ट किया वही है, वही है बिल्कुल डिट्टो, बस थोड़ा सा एप्लीकेशन कैसे है कि आपने क्या किया, आपने ये देखो ये आपने निकाल लिया, तो पहले आपने क्या किया आपको चाहिए कितना था 342, ठीक है, अब आपने यहाँ पे कंपटीशन करना शुरू किया तो 10% जो है वो है 52 जो है कितने परसेंट का वैल्यू है 10% का, तो 60% का वैल्यू निकाल लो, 52 इंटू में 60 तो कितना आ गया 312, ये 312 आ गया। अब 312 चाहिए कितना 342 आया, कितना 312, शॉर्टफॉल कितना रह गया, कितना रह गया अभी 30 का शॉर्टफॉल है, अब 30 का शॉर्टफॉल को कंप्यूट करना है, तो 1% का शॉर्टफॉल कितना है 5.2, तो 6% का कितना 5.2 इंटू में 6 अगर आप निकालते हैं तो जनरली कितना आएगा 6 × 12 का 2 हासिल है 6 × 35 और 31.2, ये आ गया 312 में अगर 31.2 जोड़ूंगा तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 342, तो मेरा आंसर जो निकल के आने वाला है वो कितना 60, ये 60 आ गया, और प्लस के अंदर इसको जो है वो जोड़ना कितना आपका कितना 5% लगभग, ठीक है, 6% जोड़ दो 66%, तो आंसर मेरा जो आएगा वो कितना 66, अप्रोक्सीमेटली 66 आएगा, क्योंकि इसने भी बोल दिया, ये देखो ये भी बोल रहा है क्या अप्रोक्सीमेट बताना आपको, तो 66 आ गया, तो आंसर
कंप्यूटेशन करना चाहो तो आप बड़े तरीके से भी कर सकते हो, बट हमारा डीआई के अंदर हमारा चलता है शॉर्टकट। तो शॉर्टकट टेक्निक को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी वे में हो जाएगा। ओके, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे ना देन बहुत इजी हो जाएगा। ओके जी सर, चलो ये कीजिएगा। ठीक है, लेक्चर कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा। कोई और प्रॉब्लम है अगर डीआई के अंदर तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, तो हम इसके ऊपर और वर्किंग करेंगे और प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ताकि जब आप पेपर में बैठे ना तो यार पेपर में बैठे तो अपना क्वेश्चन 10 नंबर जो आने हैं अपने डीआई का तो अपने पूरे के पूरे हैं। ओके ना जी सर, चलो ये कीजिएगा, बढ़िया तरीके से कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आपने मेरा ये लेक्चर देखा है तो इससे पहले वाले दो लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि उनमें बेसिक बता रखा है, तो बेसिक अगर और भी क्लियर हो जाएगा देन फिर डीआई करने में आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है, ये रिसेंट के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने वो उठा लिए हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि अभी रिसेंट में जो चल रहा है यूजीसी का जो सीन चल रहा है एनटीए का, तो उसके अकॉर्डिंग नेचुरल बात है कि लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्यूशन कैसे करना है तो वो आपको मैंने बता दिया। ओके जी सर, छोड़ के नहीं जाना है यार, छोड़ के नहीं जाना है प्लीज। ये मन में मत लाइएगा कि नहीं है सर हमसे नहीं होगा हम छोड़ देते हैं। छोड़ना जो है वो कोई इसका इलाज नहीं है, करके तो जाना ही है। 10 में से 10 नंबर अपने को लेने हैं डीआई में, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो हो जाएगा। ओके जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।